मैं नहीं करता ट्रेडिंग, मैं बंद करता हूँ भाई। तुम अब अगले ब्लॉग नहीं मिलेंगे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफी अच्छे होंगे, काफी अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे। तो आज है एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी थर्सडे, और कल वेनेसडे था। तो कल आपने देखा था कैसा मार्केट है, बोरिंग मार्केट, कुछ मजा भी नहीं आ रहा। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज भयंकर बम फट सकता है, मतलब बैंक निफ्टी में कुछ ना कुछ तो होगा आरबीआई पॉलिसी के बाद। और भी सुबह बाद टाइम से उठ गया था, फिर मैंने थोड़ा सा एक्सरसाइज किया, हमारे इधर ही पड़े रहते छत पे, ठीक है, एक्सरसाइज करके थोड़ा सा अभी नहाता हूँ, फिर उसके बाद सिस्टम पे बैठेंगे और आज की ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। मतलब आज देखेंगे मार्केट को कैसा रहता है, मार्केट बाकी पीछे देख रहे होंगे यहाँ पर चल रहा है ट्रैक्टर, खेत खलियान रेडी हो रहे हैं अगली फसल के लिए। बाकी यार सभी को पता ही है खेती के बारे में, हिंदुस्तान तो इसके लिए ही जाना जाता है, बहुत पहले से नहीं, आज से नहीं, सभी को पता है। बाकी यहाँ तो चल रहा है और अभी करेंगे ट्रेड, और बाकी मैं शायद इस वीकेंड में जा सकता हूँ बाहर थोड़ा मेरे चेकअप करवाने के लिए, चेक करवाने के। हाँ है दर्द अंदर ही अंदर, वो पेन दब तो गया है लेकिन वो अंदर कुछ है, वो हो सकता है अंदर मेरा यहाँ पे कुछ बना रहा हो इधर अंदर साइड, गांठ टाइप की, तो मेरे को ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है। तो मैं जाऊँगा चेकअप करवाएंगे ना, क्योंकि ऐसे वो नहीं कर सकते ना, पीछा नहीं छुड़ा सकते किया था, चेकअप करा लेना चाहिए, कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ प्रॉब्लम बड़ी हो जाए। बाकी फिर आज वहाँ पर जंगलों में आग लग गई है, देख रहे हो सामने, फिर वहाँ किसी ने फूंक दिया है, क्या है क्या, अब उधर जानवर होंगे कोई जंगलों में वो होंगे, ऐसी गर्मी हो रही है बेचारे, गर्मी में उनको पानी आने नसीब नहीं होता, नदी में आते पानी के लिए और ये आग लगा देते हैं जंगलों में, अब वो बेचारे क्या कर रहे होंगे, क्या करेंगे, कहाँ भागेगा वो, फिर भाग के इधर आता है घरों में, फिर लोग कहते हैं कि हमारे इधर बाघ घुस गया, ये घुस गया, फिर वो चिल्लाते हो, पहले तुम उनके खुद ही जंगल फूंक रहे हो, क्या कहें यार। तो अभी चलते हैं, नहा धो देता हूँ पहले। तो दोस्तों मार्केट होने वाला है ओपन, और अपन इधर लगा देते हैं, सामने टीवी पे लगा देते हैं आरबीआई पॉलिसी, ठीक है। ये देखो ये हमारे क्या बोलते हैं ऑफिस के कार्यकर्ता, ठीक है, और ये हो चुका अपना मार्केट ऑलमोस्ट, अभी थोड़ी देर में होने वाला है ओपन। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, आ जाओ CNBC। तो देखो ठीक है, और अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो ओपनिंग 67 बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग है अभी भी, लेकिन निफ्टी थोड़ा वीक ऐसा लग रहा है, 67 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी, बहुत एक तरीके से कह सकते हो फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी अभी स्ट्रांग है, निफ्टी तो फ्लैट है, अभी देखी जाएगी आज क्या होता है। दोनों साल भी है पॉलिसी अभी स्टार्ट होने वाली है, कितने 10 मिनट में हमारा मार्केट वेट कर रहा है बैंक निफ्टी, ये प्रीवियस जो कल का एक हाई था मॉर्निंग हाई उसको टच कर रहा है अभी, टेस्ट कर रहा है। तो मैं अभी कुछ नहीं किया हूँ, बैठे हैं बस, वेट एंड वॉच चल रहा है हमारा, चलो देखते हैं क्या रहता है आज। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है पॉलिसी में, अभी मार्केट निफ्टी लेके बैठा है, बैंक निफ्टी ने तो सुबह एक मूव दिया था, ठीक है। तो अभी अपन एक हैज पोजीशन लेके बैठा हूँ मैं यहाँ पर, अराउंड 3600 क्वांटिटी और 3600 क्वांटिटी कॉल अपुट दोनों लेके बैठा हूँ। तो लेट्स सी क्या ये अभी कुछ देता है निफ्टी, क्योंकि निफ्टी एक रेंज फंसा हुआ है, किसी साइड तो देगा और जिस साइड देगा हो सकता है उसका प्रीमियम में जो स्पाइक आए वो हम पकड़ें। तो लेट्स सी, तो अभी मार्केट पूरा का पूरा जब से हैज लिया तब से पूरा प्रीमियम खाने में लगा है, साइडवेज हो गया है और ये भी हो गया है साइडवेज, और अपना प्रीमियम देखो कहाँ चल रहे हैं, ये एक तो ऑलमोस्ट 50% तक डाउन हो गया है एक प्रीमियम, 33 यहाँ के उठा था हमने, यहाँ 15 तक आ गया है, अब फिर उठ रहा है, दूसरे के अंदर कोई मूव नहीं आया है, और दोनों के दोनों ATM उठाए थे मैंने, ये प्रीमियम खा रहा है मार्केट, इधर कहीं 30 कुछ पे उठाया था, ये 33 पे, क्या है इसकी बाइंग देखो अगर तो 32-33 पे दोनों की बाइंग है। लेट्स सी अभी तो अपन स्केल मारेगा एक दो, अगर ये मूवमेंट आता है तो आगे इनको पड़े रहने देते हैं क्या रहता है इसमें। अगर मैं एनालाइज करता हूँ तो क्या कह रहा है एनालाइज वाला ये सिस्टम, 198 प्रोजेक्टेड दिखा रहा है, अगर यहीं पे क्लोज होता है 63 पे, यहाँ तो होगा नहीं, अगर यहाँ से इतना पॉइंट नीचे आता है कितना 1861, मतलब यहाँ से 100 पॉइंट नीचे आता है तो, और यहाँ पर आके फिर 63 पे, और यहीं से अगर ये 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो 1857, तो अराउंड 1.5 लाख का प्रॉफिट। तो अब देखते हैं कहाँ जाएगा 100 पॉइंट ऊपर या नीचे, लेट्स सी। हाँ तो दोस्तों अपना हैज पोजीशन का हालत ये चल रही है, अभी 30,000 पर आया है और ये प्रीमियम मूव किया है आपका अच्छा खासा, ये वाले प्रीमियम में कुछ मूव आया है जो कि यहाँ से मूव किया अराउंड ये 11-15 से ऑलमोस्ट डबल हुआ है ये प्रीमियम 40, और ये हमारा प्रीमियम यहाँ से 53 वापस से प्रॉफिट से लॉस वाले में आ गया है, ठीक है। तो अभी अपना ये चल रहा है 33-35, अभी प्रॉफिट तब होगा जब ये वाला प्रीमियम
अब जाएगा कुछ ऊपर, ठीक है। अब कुछ ऊपर कितना ऊपर जाएगा, अब ये अगर प्रीमियम में यहाँ से डबल या ट्रिपल होता है, 2x या 3x होता है, जहाँ तक मेरे कैंडल स्टिक आई है जिस तरीके की, उस तरीके का मुझे लग रहा है कि यहाँ तक आ जाना चाहिए प्राइस यहाँ से प्रीमियम, तो ऑलमोस्ट ये जाएगा आपका 60, इजी जा सकता है, इजीली जा सकता है 60-70-80 जा सकता है, ये लग रहा है मेरे को इसमें मूवमेंट, तो ये हमें दे सकता है कुछ, कवर अप कर सकता है अपना प्रॉफिट, तो लेट्स सी। तो अभी जो यहाँ जो अपना सेटअप बना था वो ठीक है, वो जो मैंने कुछ प्लान करके सोचा था, लेकिन अपना जो हैज पोजिशन है वो मैं कर चुका हूँ अभी कट दोनों के दोनों को, और ठीक है अभी हम कॉस्ट टू कॉस्ट में निकले हैं। अगर ये चीज़ ये चीज़ रहा है ना, ये यहाँ ये प्रीमियम ने अगर नचाया नहीं होता तो ये हैच पोजीशन बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट दे जाती मेरे को, ज़बरदस्त के ठीक ठाक दे जाती, बट अभी देखो अभी मेरे को बताया अभी यहाँ से रिट्रेस कर लेगा थोड़ा सा, रिट्रेस करके फिर आएगा नीचे को, सो लेट्स सी। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी एक स्मॉल स्केल बेस्ड ऑन दिस कैंडल जो आपने मैंने बताया था, यहाँ पर एक कैंडल क्लोज है, आपने यहाँ पर हैज पोजीशन जो था एग्जिट कर दिया कॉस्ट कॉस आके, और यहाँ पर ये रिजेक्शन दे रहा था, मैं यहाँ पर घुसा हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, और उसमें अराउंड कुछ हमारा छोटा एक प्रॉफिट हो गया था, तो अभी अपन चल रहे हैं 24,000 पे, इसमें अराउंड 22, और ये हमारी हैज्ड पोजीशन दोनों के दोनों देखो, एक 76 एक 70, ठीक है कोई वो नहीं, थोड़ा सा प्रीमियम यहाँ खा दिया ना उसने, बट ये जो अपना जो यहाँ से अपन ने एक ट्रेड लगाया था कि यार यहाँ से नीचे आ सकता है, क्यों यहाँ पे इस ट्रेड को लगाने का सिंपल सा रीज़न था, देखो ये बिग बार है, क्लियर बिग बार, और अच्छा खासा अगर आप इसको मेजर करोगे इस बिग बार की उसको, तो अराउंड 10 पॉइंट की इसकी बॉडी है, और पूरे की पूरी कैंडल ही 15 पॉइंट की है, तो ये था इसका मेन रीज़न कि यहाँ से प्राइस अप डाउनफॉल दे सकता है, बट अपन का जो फोकस था हैज पोजीशन था, ये हैज कैसा काम करता है आज, तो ठीक है अराउंड इसमें अराउंड यहाँ टेस्ट किया, फिर इसके ऊपर क्लोज करने की कोशिश की, नहीं हो पाया क्लोज, वहाँ से रिजेक्शन दिया और नीचे को बिग बार बना दिया, तो इसके हाई का ऐसा सीधा प्लान करके आप एक ट्रेड ऐसे ट्रेड्स डाले जाते हैं, और या तो 1:1, 1:2, 1:3, अब यहाँ तो बहुत अच्छा एक नीचे प्रीवियस सपोर्ट है यहाँ पर तक हमने टारगेट पहले से डिसाइड किया था कि ये हो यहाँ तक टारगेट मेरे को मिल सकता है, तो मार्केट ने दिया भी है, अच्छा है ये सही है। बाकी बिग बार स्ट्रेटजी पर बहुत लोगों ने काम किया, स्टोरीज देख रहा था मैं, तो काफ़ी अच्छा उनका रिस्पांस, और बिग बार पर ही बैंक निफ्टी में बहुत बार गए थे भाई, बिग बार एंड देन टारगेट बहुत अच्छा टारगेट है, मैं बैंक निफ्टी में अभी छोटा इस पर ट्रेड किया क्योंकि यहाँ तक तो मैं हैज पोजीशन को पकड़ रहा था, तो हैज पोजीशन का क्या है आपको पता ही चल गया होगा, ठीक है। अगर नहीं मूव करेगा मार्केट तो प्रीमियम खाएगा, और प्रीमियम खाएगा जितने लोग ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि कॉल पुट दोनों उठा ले, तो मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ कहाँ तक जाता है, अराउंड 45,000 के आसपास का लॉस एक टाइम बच्चा दिखा रहा था दोनों के दोनों में, ये 50,000 के लॉस पे चल रहा था, ये चल रहा था कुछ 12,000-15,000 के प्रॉफिट पे, फिर ये प्रॉफिट से लॉस में टर्न हो एंड ये प्रॉफिट में टर्न हो, तो अपन इसको इसने अपन को कॉस्ट टू कॉस्ट पर निकाला एंड देन वहाँ से अपन ने इसको एग्जिट किया, और फिर अभी अपन ने जो ट्रेड लिया है वो यहाँ पे, तो अभी यहाँ पर बैंक निफ्टी मैं पुट साइड पे ट्रेड प्लान किया था, मैं निफ्टी भी कर रहा हूँ आज आप देख रहे होंगे, और निफ्टी अभी सपोर्ट पे खड़ा है, लेकिन पुट साइड में इस बिग बार के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया था मैंने, थोड़ा सा ये लो को मैं तोड़ चुका था, बट ये इमीडिएट इसने ट्रैप किया है वन साइड, तो इसने मेरा एसएल खाया है, तो ऑलमोस्ट अपना इस बैंक निफ्टी में एसएल गया है 20% का एसएल गया है सीधे सीधे, तो क्वांटिटी ठीक लेके जा रहा था मैं, एक्सपेक्टेशन थी इस रेंज के लो तक का। तो दोस्तों कंप्लीट अभी हो चुका है मार्केट क्लोज, मतलब होने वाला है ऑलमोस्ट, अपना पहले हेज पोजीशन, फिर उसके बाद बैंक निफ्टी में स्मॉल स्केल, फिर बैंक निफ्टी में स्केल चला, फिर निफ्टी में स्केल, मेरा पहले एसएल हिट करके फिर गया, फिर देन अगेन अपना बैंक निफ्टी में स्केल, वो भी एसएल हिट करके फिर गया, तो ऑलमोस्ट एसएल पे एसएल गए हैं दो, और आपको पता ही होगा मॉर्निंग में इस पर मैंने हेज पोजीशन ले लिया था, इस मूव को पकड़ा नहीं हेज पोजीशन की वजह से, क्योंकि ट्रेड कोई सा भी हो छोटा बड़ा तो दिमाग तो वहीं फंसता है, एंड देन यहाँ पे ये वाली कैंडल ने पहले एसएल खाया देन टारगेट, तो पहले ऐसे हिट हो गया, मैं इस पर से निकल लिया, तो यहाँ पर ट्रेड प्लान करता, बट यहाँ पर जो कैंडल इतनी बढ़िया है इसमें कोई लॉजिक नहीं बनता है घुसने का, और उसके बाद प्रीमियम भी कोई खास मूव हुए नहीं है, एंड बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में अपने को जो सुबह था यहाँ पे एक स्कैल्प जो किया था ठीक है, उसके बाद यहाँ पर स्कैल्प करने के लिए गया था, क्योंकि यहाँ पर लॉजिक था कि यहाँ एक कैंडल आई है यहाँ पर रिजेक्शन देखिए, तो नीचे सपोर्ट इधर है तो यहाँ तक जा सकता है, बट इमीडिएट ये घूम के थोड़ा सा पहले इसने एसएल हिट हुआ इसमें, फिर देन ये यहाँ पर ऊपर पूरा घूमा एंड देन आया नीचे, तो कम्प्लीटली फिर उसके बाद ये प्राइस एंड इसके बाद कोई एंट्री किया नहीं, क्योंकि अपना जो आपको मैंने बताया था अपना एसएल का जो लिमिट है वो हिट हो चुका है ऑलमोस्ट 1,38,000, और ये भी उड़ा है आज के दिन में, तो ऑलमोस्ट सुबह सुबह जो अपने थे ये दो हैच पोजीशन थी 17,18,750 कॉल पुट ऑप्शन एंड देन निवासी की कॉल ऑप्शन जहाँ पर मैंने इस जगह पर उठाया था उसमें अपना एसएल गया है एंड देन बैंक निफ्टी सुबह जो 22,000 ये वाला था
एंड देन जो इसके बाद डाई निफ्टी में चल गया वो इसमें गया, उसमें अराउंड 74, तो नेट टू नेट एक कह सकते हो 20% के 2 SL सीधा गए हैं। एंड दो ट्रेड्स में ऑलमोस्ट अराउंड 4-5 लाख के कैपिटल डिप्लॉय हो रहा था, किसी में 4.5 किसी में 4, तो अराउंड 20% से ऊपर का गया सीधा ऐसे। तो अभी ऑलमोस्ट होने वाला मार्केट क्लोज, तो लेट्स सी, अब सी क्या मार्केट तो हो ही गया क्लोज। अब हम फ्राइडे है, कल हो सकता है आज RBI पॉलिसी के बाद क्या मूव आता है वो कैप्चर करेंगे, देखते हैं। तो दोस्तों अभी मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, बहुत ज्यादा भाई मेरा हो गया दिमाग खराब, मैं नहीं करता ट्रेडिंग, मैं बंद करता हूँ भाई, तुम्हें अब अगले ब्लॉग नहीं मिलेंगे मैं सही बता रहा हूँ, अब नहीं मिलने वाले ऑलमोस्ट लास्ट मंथ के उससे लेकर अभी तक का हमारा जो लॉस हुआ है अराउंड अभी पहुंच चुका है 7 लाख के अराउंड अभी लॉस, 7 से थोड़ा कम है, मतलब 6.5 लाख नेट टू नेट लॉस पे चला लास्ट मंथ से लेकर अभी तक, ठीक है। तो ये लूजिंग स्ट्रीक रुक नहीं रही, बैक टू बैक जा रहा है। आज की ट्रेड्स देखेंगे आपने, हेज पोजीशन ली वो भी वो उड़ा दे रहा है ना, तो वो जो फ्रस्ट्रेशन होता है ना आदमी के अंदर, एक फ्रस्ट्रेशन होता है भाई यार क्या हो रहा है, लेकिन उस पर करना पड़ता है कंट्रोल, ठीक है। ये नहीं कि हाँ अब मेरे को देख रहा है फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, ये हो रहा है ये भी हो रहा है, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो 6.5 लाख के आसपास का कोई लॉस बड़ी बात नहीं है, उसको हो जाएगा कवर। विनिंग स्ट्रीक चली तो बैक टू बैक जाएंगे, एक वो कॉन्फिडेंस लेवल आता है हर एक ट्रेड में। लूजिंग स्ट्रीम क्या होता है, जब भी आप लूज कर रहे हो ट्रेड नहीं चल रहा है तो आप क्वांटिटी नहीं बढ़ाते हो, क्वांटिटी इंक्रीज नहीं करते हो। आज तो मैं एक ही क्वांटिटी में मारा था, मतलब ऑलमोस्ट 4-5 लाख रुपए के आसपास मेरा फंड लग रहा था, वो भी बैंक निफ्टी में है ना। लेकिन जब आपकी विनिंग स्ट्रीक चली है तो आप क्वांटिटी बढ़ा भी सकते, बढ़ाते हो तब जाके उसमें अच्छे खासे प्रॉफिट आया था, लेकिन लूजिंग स्ट्रीक में क्वांटिटी हमेशा कम करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, अगेन फिर से अपना SL पे SL गया है ऑलमोस्ट, मैंने आपको बताया कितना कैपिटल अपना गया है लास्ट मंथ से लेकर अभी तक का, अभी ये मंथ तो पेंडिंग है, और जहाँ तक मुझे इतना कॉन्फिडेंस तो है कि हाँ इस मंथ के अंदर मैं ओवरऑल उसको कवर अप करके प्रॉफिट में टर्न कर दूंगा, है ना। लेकिन एक ट्रेडर का फ्रस्ट्रेशन आप सभी लोग समझ सकते हो कि कैसे किस तरीके का फ्रस्ट्रेशन एक आता है जब भी लॉसेस बैक टू बैक हो रहे हैं, बैक टू बैक जहाँ सब पैसा बना रहे हैं, इतना अच्छे से मूव आ रहे हैं, वहाँ आपका लूजिंग स्टिक चल रहा है, आपका ड्रॉ डाउन फेज चल रहा है, या आपका कैपिटल स्लो एंड स्टडी जा ही रहा है ना। तो वो चीज़ क्या होते हैं, हर एक ऑप्शन बाहर समझ सकता है, फील कर सकता है, वो हर किसी के साथ होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना, कुछ महीने होते हैं जो सब पलट देते हैं, लेकिन बाकी टाइम अपने आप अपना कैपिटल को बचा के रखना पड़ता है। ज़्यादा लॉसेस होंगे आपकी मेरी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 6 लाख में मेरा ओवरऑल कैपिटल का 2-4% में नहीं है, ठीक है। तो मेरे लिए कोई इतना बड़ा वो नहीं है, लेकिन वो होता है ना कि यार टाइम दे रहे हो, 6 घंटा बैठ रहे हो सिस्टम पर बैठ रहे हो, और क्या होते हैं फिर भी वहाँ पर लॉसेस हो रहे हैं। कभी कभी दिमाग में ये चीज़ें भी आती हैं, डालो बड़ी क्वांटिटी, फुल क्वांटिटी मारो, देखी जाएगी, ये वाली चीज़ नहीं करनी है। जब भी ये फीलिंग आई है ऐसा चीज़ करने का तुम्हारा मन करे, तुम सेटम छोड़ देना, उठ जाना वहाँ से, क्योंकि ये डिसीजन मार्केट मजबूर करता है आपको लाने के लिए आपके अंदर। मैं अपने ऑप्शन बाइंग स्कैल्पिंग के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अलाओ पूरी क्वांटिटी मार्केट देखी जाएगी। अगर ये चीज़ अभी कभी भी फील हुआ ना अंदर, एक दिन चल जाएगा गलती से हो, लेकिन 10 में से 9 बार वो आपका अकाउंट ब्लो कर देगा, वो इतना बड़ा लॉस दे देगा ना, उसको कवर अप करने के लिए फिर जाओगे फिर लॉस दे देगा। ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है फुल टाइम ट्रेडर को, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, आप लगे पड़े हो, चीज़ें देख रहे हो, अपना सेटअप पर टिके पड़े हो, इसीलिए ट्रेडर अपने स्टॉक अपने जो सेटअप होते हैं अपनी स्ट्रेटजी को छोड़ देते हैं, है ना। कि यार स्ट्रेटजी अपनी जगह पर है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपनी जगह पर है, आपका क्या होते हैं वो माइंडसेट अपनी जगह पर है, साइकोलॉजी अपनी जगह पर है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे आएगा ना, तो सेटअप कभी नहीं छोड़ना है अपना, ठीक है। सेटअप जब चलेगा, कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा ऊपर से, विनिंग स्टिक चलेगी तो सेटअप सारे के सारे चलने लगते हैं, लूजिंग स्टिक चलती है तो सेटअप कोई नहीं चलता है। ज़्यादातर लोग अपना जो सेटअप है, जो अपनी स्ट्रेटजी है, वो छोड़ के दूसरी स्ट्रेटजी पकड़ने लग जाते हैं, तो वो सब नहीं करना है, ठीक है। बाकी अभी मेरे को कहीं जाना है और मैं थोड़ा बाहर निकल रहा हूँ, मेरे को कुछ काम है, और मेरा ये जो आपको बताया था अंदर वो ठीक, पेन तो ठीक हुआ, लेकिन वो अंदर उसका कहीं ना कहीं मेरे को फील हो रहा है, उसका दर्द अंदर से, और वो एक कुर्सी चेयर में बैठना पे और सांस लेने पे वो लग रहा है कुछ, तो उसको चेकअप कराना वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैं थोड़ा सा अभी निकल रहा हूँ, तो ब्लॉग को अभी मैं दिन पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को रात को टाइम नहीं हो पाएगा, ठीक है। बाकी आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आपका अगर कोई कैसा फर्स्ट आपका विनिंग स्ट्रीक चल रहा है या लूजिंग स्ट्रीक चल रहा है, आप उसको कैसे डील करते हो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और अपना जो भी आपका है अगर लॉसेस का, कि आप स्ट्रेटजी छोड़ देते हो अगर आपके बैक टू बैक लॉसेस होते हैं और वो बड़े बड़े होने लग जाते हैं, क्या रीज़न से होते हैं और क्यों आप स्ट्रेटजी सब नहीं छोड़ते हो, है ना, वो चीज़ें आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। बाकी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और यहाँ लाइट भी गई हुई है, बहुत गर्मी हो रही है। बाकी आपको अगर अपना डीमैट अकाउंट खोलना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है पेटीएम मनी का, वहाँ से आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो और ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। बाकी ये था मेरा आज का दिन, RBI पॉलिसी है ना,
मेरे लिए तो फ्रस्ट्रेशन वाला था, मैं तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ अपने लूजिंग स्टिक से, बट मैं उसको कहीं ना कहीं ओवरकम कर जाऊंगा। बाकी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय, सी यू, जय हिंद।